कोयटा में सिविल सोसाइटी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर देंगे कि सिविल सोसाइटी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर हमले और तरक्की दुश्मन नासिर के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है, जबकि एहतजाज का दायरा बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी का कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि कोयटा में सिविल सोसाइटी गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर हमले और तरक्की दुश्मन अनासिर के खिलाफ ये एहतजाज कर रही हैं। इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। सिविल सोसाइटी की जानिब से ये एहतजाज आज अहतमाम किया गया है और गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर हमला हुआ था, जिस पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज है सिविल सोसाइटी बलूचिस्तान की जानिब से ये किया गया है और इस एहतजाज का मकसद कल के जो दहशतगर्दाना वाकया हुआ है कराची में उसके खिलाफ जो है एहतजाज करना है और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि बलूचिस्तान का यूथ अमन चाहता है। बलूचिस्तान का यूथ जो है इस दहशतगर्दी को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। बलूचिस्तान का यूथ आगे बढ़ना चाहता है और बलूचिस्तान में आज जो बलूचिस्तान और चाइना का जो ताल्लुक है वो सिर्फ जो है पुलों, बंदरगाहों या रोडों तक नहीं है, बल्कि वो तालीम, सेहत, रोज़गार और हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो नौजवानों का टैलेंट है दुनिया में, चाहे वो IT की सूरत में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की सूरत में हो, चाहे किसी और टेक्निकल सूरत में हो, वो उसे चाइना जो है वो पाकिस्तान। कोयटा में सिविल सोसाइटी कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं।